हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है खट्टी मीठी आम की चटनी। जो कच्चे आम आते हैं, ज़्यादा कच्चे नहीं, बस कच्चे और पक्के आम, जो बीच का जो स्टेट होता है वही आम हम लेंगे, ना ज़्यादा कच्चे ना ज़्यादा पके हुए। तो उसी आम की आज हम एक खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और एकदम आसानी से लगभग 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आम कच्चे वाले। ये आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पके हुए नहीं है, ना ही ज़्यादा कच्चे हैं ना ही ज़्यादा पके हुए हैं, एकदम बीच का जो स्टेट है वही हम चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए गुड़ और सरसों और ज़ीरा, अदरक, चॉप्ड हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम ये आम की चटनी बनाएंगे और एकदम आसानी से, एकदम झटपट ये बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा तेल देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे सरसों और ज़ीरा और इसे क्रैकल होने देंगे थोड़ी देर। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और मैश किए हुए अदरक और इन्हें थोड़ी देर ऑयल में टॉस कर लेंगे ताकि ये अपना फ्लेवर ऑयल में छोड़ दें। तो अच्छी तरह से हम इसे थोड़ी देर ऑयल में सॉटे कर लेंगे। फिर थोड़ी देर सभी चीज़ों को अच्छी तरह ऑयल में सॉटे करने के बाद फिर हम इसमें जो आम है, कच्चे आम, वो हम इसमें डालेंगे। आम डालने के बाद फिर हम इसे इन सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ऑयल में थोड़ी देर इसे हम टॉस कर लेंगे। तो आम डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर भूनें और बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी भी आप इसमें डाल लें। इससे क्या होगा कि आम को गलने में इसमें आसानी होगी। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालें और आम को आप थोड़ा थोड़ा भूनते ही आप इसे थोड़ा थोड़ा मैश करते रहें ताकि अच्छी तरह से इसकी एक चटनी की कंसिस्टेंसी में आसानी से आ जाए, अच्छी तरह से ये गल जाए, इसका एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी में ये आ जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसे मैश करते रहें। तो आम को अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हल्दी और फिर लाल मिर्च पाउडर। और फिर हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो हमने सारे सूखे मसाले जो इसमें डालने थे वो हम इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे और इसे लगभग 5 से 7 मिनट और अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो आप इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, अच्छी तरह से सभी चीज़ों में, आम में अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ जाए। तो लगभग 5 मिनट अच्छी तरह से आम को पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आम के पीसेस हैं वो एकदम घुल गए हैं, एकदम गल गए हैं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहें और इसे मैश करते रहें। फिर हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो लगभग 4 टेबल स्पून गुड़ हम इसमें डालेंगे। और अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
जो टेस्ट इसका आता है, अच्छा टेस्ट इसका गुड़ से ही आता है, तो आप कोशिश करें कि आप इसमें गुड़ ही डालें। लेकिन अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो गुड़ डालने के बाद फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पकाएं, और कोशिश करें कि जो जितने भी आम के पीसेस हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं, एकदम घुल जाएं इस चटनी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो आम की चटनी है वो अच्छी तरह से पक रही है, और इसमें सारे जो आम के पीसेस हमने डाले थे वो एकदम से घुल गए हैं, एकदम से मिक्स हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होने लगी हैं। तो लगभग और 5 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि ये जितना भी एक्सेस लिक्विड है वो एकदम से सूख जाए और एक सिरपी कंसिस्टेंसी इसमें आ जाए। तो लगभग और 5 मिनट बाद हमारी आम की चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो आम की चटनी है वो एकदम बनकर रेडी हो गई है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम ठीक है, ना ज़्यादा इसमें लिक्विड है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ी है, तो एकदम बीच की कंसिस्टेंसी है, एकदम सिरपी कंसिस्टेंसी। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, और जब आप गैस बंद कर देंगे और ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जो आम की चटनी है वो आप किसी भी फ्राइड आइटम के साथ आप इसे एक एज ए साइड डिश आप इसे ले सकते हैं, जैसे कि कचौरी, समोसा और भी दूसरी चीज़ें, और इसे आप किसी भी और चीज़ के साथ जैसे कि चावल, रोटी, पराठा, उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें, और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।